हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो आज हम लोग करेंगे नया टॉपिक सिनोनिम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो ध्यान से देखना जो मैं करवाने जा रही हूँ आप लोगों को। सिनोनिम्स आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, क्वेश्चन है आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, फोर अल्टरनेटिव्स में चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, द मीनिंग of the given word। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन? आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स, चार अल्टरनेटिव्स दिए होंगे आपको, चार ऑप्शंस दिए होंगी, चूज द वन। हाँ, आप लोगों ने एक चूज करनी है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो फर्स्ट है हमारे पास ईगर। क्या है? ईगर वर्ड है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लेवर, एंथुसियास्टिक, क्लेवर। सब पहला वर्ड दिया हुआ है क्लेवर। ठीक है, दूसरा है एंथुसियास्टिक, तीसरी ऑप्शन है हमारे पास क्यूरियस और डिवोटेड, क्यूरियस, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डिवोटेड। ठीक है, क्या है? डिवोटेड। तो इन चार ऑप्शंस में से आप लोगों ने बताना है कि ऑप्शन जो है वो सही कौन सी है। ईगर, ठीक है, ईगर का मतलब हमने बताना है कि क्या होता है, क्लेवर होता है, एंथुसियास्टिक होता है, क्यूरियस होता है या डिवोटेड होता है। तो ईगर का मतलब होता है क्यूरियस। क्या होता है? क्यूरियस। करेक्ट ऑप्शन आप ऐसे लिखोगे, आंसर आएगा सी, क्यूरियस। ठीक है, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, उनमें से आप लोगों ने एक ऑप्शन बताना है। ईगर होता है क्यूरियस, किसी चीज को जानने की उत्सुकता। ठीक है, इंसान बड़ा ईगर होता है, उत्सुकता होती है उसमें कि मैं किसी काम को करूं या किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करूं। ठीक है, समझ आ गई? चलो, सेकंड है प्लेसिड, PLACID। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास क्लियर, काम, इंजॉयबल और डल। क्या है? क्लियर, काम, इंजॉयबल और डल। ठीक है, दीज आर द फोर ऑप्शंस विच विल बी गिवन टू यू प्लेसिड के अंदर। तो आप लोगों ने प्लेसिड का मतलब बताना है क्या होता है। प्लेसिड होता है बहुत ही शांत। क्या होता है? बहुत ही शांत। तो इसका इसकी ऑप्शन आएगी हमारे पास बी, कॉम। तो आप लिखोगे इसके आंसर में बी ऑप्शन, कॉम। ठीक है, समझ आ गई? चलो नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड पे है हमारे पास एमिनिटीज, AMENITIES। एमिनिटीज, एमिनिटीज की भी चार ऑप्शन दी होंगी आपको। एक है पेजेंट्रीज, PAGEANTRIES। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास प्रिविलेजेस, PRIVI। क्या है? PRIVILEGES, प्रिविलेजेस। और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास फैसिलिटीज, और चौथी ऑप्शन
ऑप्शन है हमारे पास कोर्टिसीज, CoURTESIES, CoURTESIES, कोर्टिसीज, ठीक है। ये फोर ऑप्शंस आपको दी होंगी। एमिनिटीज, एमिनिटीज का क्या मतलब होता है? एमिनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, जैसे आप अपने घर में हो, आपको रहने की फैसिलिटी है, खाने की फैसिलिटी है, पढ़ने की फैसिलिटी है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल। तो फैसिलिटीज का जो दूसरा सिनोनिमस है वो है एमिनिटीज। एमिनिटीज इज द सेम एज फैसिलिटीज। जैसे फैसिलिटीज होती है, हम जैसे आप बोलते हो किसी को कि मुझे घर में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, मेरे पास मोबाइल फोन है, कैमरा है, दिस है, दैट है, जो भी है, तो आप इसको दूसरी तरह से बोल सकते हो कि मेरे पास घर में बहुत सारी एमिनिटीज है, ठीक है। तो उसका मीनिंग भी सेम ही होगा। तो इसमें आप करोगे फैसिलिटीज, आंसर आएगा आपका सी, फैसिलिटीज, FACILITIES, ठीक है, समझ गए आप। अब आ जाओ नंबर फोर पे, BARBARIN, बारबेरियन। बारबेरियन की भी चार ऑप्शंस है हमारे पास, एरोगेंट, इम्पोलाइट, एरोगेंट, इम्पोलाइट, ठीक है, एरोगेंट, इम्पोलाइट, अनसिविलाइज्ड और अनकाइंड। अनसिविलाइज्ड और अनकाइंड, ठीक है। हमारे पास चार ऑप्शंस है बारबेरियन की, कौन कौन सी? एरोगेंट, इम्पोलाइट, अनसिविलाइज्ड और अनकाइंड। तो इसमें से हमारा आंसर जो है, बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। क्या है? अनसिविलाइज्ड, जो इंसान अनसिविलाइज्ड होता है उसको हम बोलते हैं बारबेरियन, ठीक है। अनसिविलाइज का मतलब होता है बारबेरियन, जिसमें कोई तौर तरीके नहीं हो, कोई उठने बैठने का ढंग नहीं हो, उसको हम बोलते हैं बारबेरियन। क्या बोलते हैं? बारबेरियन या अनसिविलाइज। देख लो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, शाबाश। अब हमारे पास नंबर फाइव पे एबंडन, ABANDON, एबंडन का क्या मतलब होता है? एबंडन के नीचे भी हमें चार ऑप्शंस दी हुई होंगी। कितनी ऑप्शंस दी हुई होंगी? चार ऑप्शंस, ठीक है। एबंडन, एबंडन इसमें आएंगे एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन आएगी डिसकॉन्टिन्यू, तीसरी ऑप्शन आएगी हमारे पास निग्लेक्ट और कंडेंस, निग्लेक्ट, और कंडेंस, ठीक है। एबंडन के नीचे आपको चार ऑप्शंस दी होंगी, एक एब्सकॉन्ड, दूसरी डिसकंटिन्यू, तीसरी निग्लेक्ट और चौथी कंडेंस। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, की जो एबंडन की करेक्ट ऑप्शन क्या है। एबंडन की करेक्ट ऑप्शन आएगी बी वाली, डिसकंटिन्यू। क्या है? एबंडन मींस डिसकंटिन्यू, किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना, कोई चीज शुरू करना फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। तो क्या है एबंडन के नीचे? चार ऑप्शंस आएगी, एब्सकॉन्ड, डिसकंटिन्यू, निग्लेक्ट और कंडेंस।
तो इसमें हमारी ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो होगी डिसकंटिन्यू। कौन सी होगी? डिसकंटिन्यू। चलो नंबर सिक्स पे आ जाओ। प्रोलिफिक, PROLIFIC। प्रोलिफिक का मीनिंग क्या है? प्रोलिफिक का मीनिंग है प्लेंटी, कॉम्पिटेंट, PLENTY, प्लेंटी, कॉम्पिटेंट, ठीक है, प्लेंटी, कॉम्पिटेंट, फर्टाइल और प्रीडोमिनेंट। फर्टाइल, प्रीडोमिनेंट, ठीक है। दीज आर द फोर ऑप्शंस। कौन कौन सी? प्रोलिफिक का मतलब क्या है? प्लेंटी है, कॉम्पिटेंट है, फर्टाइल है या प्रीडोमिनेंट है, आपने बताना है। तो प्रोलिफिक का मतलब होता है बेटा फर्टाइल। क्या मतलब होता है प्रोलिफिक का? फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है? जैसे जमीन है तो कोई जमीन जो होती है वो बैरन होती है, जहां पर कुछ भी नहीं उग सकता, लेकिन कोई कोई जमीन ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, वहां पर बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती है। तो यही इसका मीनिंग है। प्रोलिफिक का मीनिंग है फर्टाइल। क्या है? फर्टाइल, ठीक है, समझ आ गई आपको। चलो नेक्स्ट, वल्गर, VULGAR, वल्गर। वल्गर का क्या मतलब होता है? चार ऑप्शन दी होंगी, थॉटलेस, अनकाइंड, अनकाइंड, ठीक है, कोर्स और इलिटरेट। अब आपने बताना होगा कि इसमें जो सही ऑप्शन क्या है। वल्गर क्या होते हैं? कोई चीज वल्गर है, थोड़ी सी ऐसे ही है, वल्गर है यानी देखने लायक नहीं है, तो इसका मीनिंग होता, इसका आंसर आएगा कोर्स, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगी इसकी? सी वाली, कोर्स। समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास एब्रिज। ए ब्रिज बोल सकते हैं, एब्रिज, ABRIDGE। एब्रिज के नीचे हमारे पास चार ऑप्शंस होंगी, एबॉर्ट, स्पैन, क्या होगी? एबॉर्ट नंबर वन ऑप्शन होगी, एबॉर्ट, ठीक है, दूसरी होगी स्पैन, सी ऑप्शन होगी शॉर्टन, और डी ऑप्शन होगी हमारे पास क्रॉस। क्या होगी? क्रॉस। दीज फोर ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। ए ब्रिज, ए ब्रिज का मतलब क्या होता है? शॉर्टन। क्या मतलब होता है ए ब्रिज का? शॉर्टन। तो आप लोगों ने क्या करना है? इस वाली ऑप्शन को आंसर में दे देना है शॉर्टन। इजी है बेटा ये, बड़े कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप करोगे आप लोगों को समझ आती जाएगी कि आप लोगों ने कैसे करना है। नेचुरली जो मीनिंग होगा, अगर आपको जो वर्ड दिया होगा उसका मीनिंग अगर आपको पता होगा, तो आपको ऑप्शन में से जो चार ऑप्शंस होंगी उनमें से करेक्ट आंसर चूज करने के लिए मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग सब जितने भी मीनिंग्स होंगे ना, इनको एक कॉपी पे ले लो, डिक्शनरी ले लो, उनके मीनिंग जो है वो सारे लिख लिख के रखो अच्छी तरह से, समझ आ गई ना। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। नाइन्थ है हमारे पास बेली टी, BELITTLE। तो इसके नीचे चार ऑप्शन है हमारे पास,
डिमिनिश मॉक डिमिनिश बी ऑप्शन है हमारे पास मॉक MOCK मॉक। सी ऑप्शन है हमारे पास डिस्पैरेज DIS डिस्पैरेज और डी ऑप्शन है हमारे पास स्कॉफ SCOFF। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। बेलिटल का क्या मतलब है, आप लोगों ने इसका मतलब बताना है। इसका मतलब है डिमिनिश। डिमिनिश क्या होता है, कम करना किसी चीज को, डिमिनिश। ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है ना, इसी तरह डिमिनिश है। तो इसकी ऑप्शन जो है वो आएगी ए वाली, डिमिनिश DIMINISH डिमिनिश। ओके, तो चलो नेक्स्ट टेंथ वाला, डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश के नीचे चार ऑप्शंस होंगी, डार्कन एबॉलिश डिफ्रेंशिएट और कंफ्यूज। डार्कन बी में आ गया, एबॉलिश सी में आ गया, डिफ्रेंशिएट और डी में आ गया कंफ्यूज। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है हमारे पास डिस्टिंग्विश में। तो डिस्टिंग्विश में जो हमारे पास जो इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि डिस्टिंग्विश का मीनिंग क्या है। डार्कन है, एबॉलिश है, डिफ्रेंशिएट है या कंफ्यूज है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश होता है किसी चीज को किसी चीज से अलग करना, डिस्टिंग्विश करना, अलग करना। ठीक है, जैसे क्या, जैसे समझ लो आपके पास पल्सेस हैं, ठीक है, ब्लैक कलर की और येलो कलर की दो दाले मिक्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ब्लैक को चुन चुन के अलग रखना है, येलो को अलग रखना है। तो इट मींस यू आर डिस्टिंग्विशिंग द पल्सेस। ठीक है, आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, अलग कर रहे हो। तो इसकी ऑप्शन आएगी डिफ्रेंशिएट। क्या आएगी बेटा, ऑप्शन आएगी आपके पास सी, डिफ्रेंशिएट। आ गई समझ। चलो नेक्स्ट, इलेवेंथ है हमारे पास एक्यूज। एक्यूज की भी चार ऑप्शंस है हमारे पास, एब्सॉल बी है हमारे पास, एक्सोनी रेट सी ऑप्शन है हमारे पास विंडिकेट और डी ऑप्शन है हमारे पास इम्पीच। ठीक है, हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं एक्यूज के नीचे, एब्सॉल, एक्सोनिरेट, विंडिकेट और इम्पीच। तो इन चार ऑप्शंस में हमारे पास जो एक्यूज होता है, किसी को बुरा भला कहना, एक्यूज करना, तो ऑप्शन आएगी हमारे पास डी। कौन सी ऑप्शन आएगी बेटा, डी, इम्पीच, इम्पीच। ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट ट्वेल्थ, नेक्स्ट है हमारे पास टीडीएस, TEDIOUS टीडीएस। टीडीएस के नीचे चार ऑप्शंस हैं, टायरसम, पेनफुल, ठीक है, टायरसम, पेनफुल, ट्रबलनेस और लेंथी, ट्रबलनेस और लेंथी।
ठीक है। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस आ जाएंगी टीडीएस के नीचे। टीडीएस में टायरसम, पेनफुल, ट्रबलनेस और लेंथी। तो टीडीएस का मतलब होता है टायरसम, जो थोड़ा थका हुआ हो उसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस मीन्स टायरसम, थका हुआ होना। तो इसके नीचे हमारी ऑप्शन आ जाएगी ए, टायरसम। क्या आ जाएगी? टायरसम। ठीक है, समझ आ गई आपको? देख लो अच्छी तरह, शाबाश। चलो थर्टीन है अब हमारे पास, स्टबॉर्न। स्टबॉर्न क्या होता है? जिद्दी। ठीक है, तो स्टबॉर्न की ऑप्शंस हैं हमारे पास इजी, ऑब्स्टिनेट, इजी, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, इजी, ऑब्स्टिनेट, विलिंग और प्लाइएबल। विलिंग, और है प्लाइएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस है स्टबॉर्न की। स्टबॉर्न होता है जिद्दी होना। तो जिद्दी होने का दूसरा जो सिनोनिमस है इसका वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा जिद्दी होना, जो बहुत जिद्दी हो, जो किसी की बात ना माने, तो उसका मतलब होता है ऑब्स्टिनेट। क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी बी, ऑब्स्टिनेट। क्या आएगी बेटा हमारे पास ऑप्शन? बी ऑप्शन आएगी, ऑब्स्टिनेट। ओके, चलो नेक्स्ट 14। एडमिट। एडमिट क्या होता है? एडमिट के नीचे आ जाएंगी चार ऑप्शंस। ठीक है, एडमिट होता है किसी चीज को स्वीकार करना। जैसे अगर सपोज समवन स्टील्स समथिंग, तो वो एडमिट करता है कि हाँ मैंने चोरी की है। ठीक है, अगर वो मान जाता है तो इट मींस कि वो एडमिट कर रहा है, अगर वो नहीं मानता तो वो एडमिट नहीं होता। समझ आ गई एडमिट क्या होता है? तो चलो ए ऑप्शन है हमारी एडमिट के नीचे। डिसाइड, बी ऑप्शन है हमारे पास रियलाइज, सी ऑप्शन है हमारे पास एक्सेप्ट और कमिट, एक्सेप्ट, और डी ऑप्शन है, क्या है डी ऑप्शन? डी ऑप्शन है कमिट। ठीक है, एडमिट के नीचे चार ऑप्शंस है, डिसाइड, रियलाइज, एक्सेप्ट और कमिट। अब हमने बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है। तो एडमिट के नीचे जो ऑप्शन है, एडमिट मैंने आपको बताया ना, उसका मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना, किसी चीज को मान लेना। तो एक्सेप्ट है इसकी सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट। ओके, समझ आ गई। चलो 15 वाला, एम्पल। एम्पल के नीचे भी चार ऑप्शंस आपको दी होंगी, सफिशिएंट, स्विफ्ट, सफिशिएंट, स्विफ्ट। ठीक है, सफिशिएंट, स्विफ्ट, डिटेल्ड और ह्यूज। डिटेल्ड और डी ऑप्शन आ गई ह्यूज। ठीक है, दीज फोर ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू एम्पल।
का मतलब बताना है हमने एम्पल का, ठीक है। एम्पल क्या होता है, जिसके पास कोई चीज जो है काफी मात्रा में होती है, वो बोलते हैं आई एम हैविंग दिस थिंग इन एम्पल क्वांटिटी। एम्पल मीन सफिशियंट क्वांटिटी, यानी काफी मात्रा में है, तुम भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका एम्पल का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए सफिशियंट, क्या आएगा बेटा सफिशियंट, ओके। चलो 16 है हमारे पास, टी आर आई यू एम पी एच, टी आर आई यू एम पी एच ट्रिम्फ का मीनिंग होता है। इसके भी चार ऑप्शन दिए होंगे आपको, जॉय एक्साइटमेंट, जॉय एक्साइटमेंट, ठीक है, जॉय एक्साइटमेंट गेन और विक्ट्री, गेन और विक्ट्री, ये चार ऑप्शन हमें दिए होंगे ट्रिम्फ के नीचे, ट्रिम्फ के नीचे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ट्रिम्फ होता है विक्ट्री, क्या होता है विक्ट्री, तो हमारी ऑप्शन आ जाएगी डी विक्ट्री, क्या आएगी डी विक्ट्री, ठीक है, समझ आ गई आपको, देख लो अच्छी तरह, शाबाश, देख लो अच्छी तरह, फिर तीन चार और करेंगे। ठीक है, चलो अब है डिप्लीट, डिप्लीट के भी चार ऑप्शंस दी होंगी आपको, डिस्ट्रॉय फिनिश डिस्ट्रॉय फिनिश, ठीक है, डिस्ट्रॉय फिनिश एग्जॉस्ट और वैनिश, एग्जॉस्ट और डी आ गया वैनिश, ठीक है, समझ आ गई। डिप्लीट का मतलब क्या होता है आप लोगों ने ये बताना है, डिस्ट्रॉय फिनिश एग्जॉस्ट, ठीक है, डिस्ट्रॉय फिनिश एग्जॉस्ट या वैनिश, तो डिप्लीट का मतलब होता है एग्जॉस्ट, क्या होता है एग्जॉस्ट, जब इंसान कोई काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाता है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट, क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट, ई एक्स एच ए यू एस टी एग्जॉस्ट, ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट, डियर, डियर का मतलब क्या होता है, डी ई ए आर डियर, ठीक है, फोर ऑप्शंस होंगी आपके पास डियर के भी, ड्यू क्लोज कॉस्टली या यंग, ड्यू बी ऑप्शन है क्लोज, सी ऑप्शन है कॉस्टली और डी ऑप्शन है यंग। आप लोगों ने बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर का मतलब होता है बेटा कॉस्टली, कोई चीज जो बड़ी महंगी हो उसको बोलते हैं डियर, डियर मीन्स कॉस्टली, तो आंसर आएगा हमारे पास सी कॉस्टली, क्या आएगा कॉस्टली, ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है स्ट्रेंज एंडलेस strange, endless, indefinite या vague, indefinite और D आ गया vague,
तो हमारे पास इनफाइनाइट के चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपने चूज करना है कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। इनफाइनाइट का मतलब होता है एंडलेस। क्या होता है? क्या आएगा इसका आंसर? एंडलेस। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट करेंगे अभियान, ठीक है। आप लोगों को अच्छी तरह इनको रिवाइज करना, ठीक है। 20 में करवाऊंगी आज। डर्थ, DERTH, डर्थ। इसके भी चार ऑप्शंस दिए होंगे आपको डर्थ के। डिक्रीज, लॉस, डिक्रीज, ठीक है, लॉस, रिडक्शन या स्केर्सिटी। रिडक्शन, तो इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि डर्थ का मतलब क्या है। डर्थ होता है किसी चीज की कमी, ठीक है। जैसे राजस्थान में क्या होता है, किस चीज की कमी होती है? बारिश नहीं होती, पानी की कमी होती है। तो इट मीन्स राजस्थान में पानी की डर्थ है। डर्थ है या स्केर्सिटी है, कुछ भी कह सकते हैं। डर्थ एंड स्केर्सिटी आर वन एंड द सेम थिंग। तो आप लोगों ने आंसर में लिख लेना है बेटा डी, स्केर्सिटी। क्या है? स्केर्सिटी, ठीक है। तो ये आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।